अब हाँ, ऑब्वियसली सिंगल प्लेयर गेम्स स्काई पे भी नहीं जा रहे हैं, बट अगर आप पिछले कुछ साल के गेम्स को देखो तो नोटिस करोगे कि यार सिंगल प्लेयर गेम्स की क्वालिटी ना गिरती ही जा रही है। एंड शायद आज के सिंगल प्लेयर गेम्स में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। सर एक्चुअली मैं ना सिंगल प्लेयर गेम्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जिनके मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। अब हाँ, ऑब्वियसली कुछ सिंगल प्लेयर गेम्स एक्सेप्शनल होते हैं एंड मैं एक्सेप्शंस की नहीं बल्कि जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचे तो भाई माफ करना, क्योंकि ये है ऑनेस्ट टॉक्स का एपिसोड नंबर 7। अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार कंपनीज ना लाइव सर्विस प्रोजेक्ट्स पे शिफ्ट कर रही हैं। सिंगल प्लेयर गेम्स में क्या रहता है ना कि यार वो लिमिटेड होते हैं स्कोप में। भले ही आप 100 आवर्स की स्टोरी बना दो, बट एक बार वो खत्म हो गई तो मैक्सिमम लोग उसे खेलना छोड़ देंगे एंड दूसरे गेम्स में मूव कर जाएंगे। बट कंपनीज चाहती है कि उनके गेम्स को लोग हमेशा के लिए खेलते ही रहे, जिसकी वजह से लाइव सर्विस गेम्स बहुत देखने को मिल रहे हैं। इन्हें हम फॉरएवर गेम्स भी कह सकते हैं, मतलब वो गेम्स जिनको एक बार बना दिया एंड बस उनके लिए अपडेट्स रिलीज करते ही रहो सो दैट लोग उनको छोड़े ना और खेलते ही रहे। GTA 5 की इतनी सारी सिंगल DLCs planned थी, बट अब वो सब cancel कर दी गई क्योंकि GTA Online एक live service game बन चुका था, जहां game को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि लोग उसे लंबे time तक खेलते ही रहें। इसी वजह से इन games में खूब सारा grind भी डाला जाता है, ताकि objectives achieve करने के लिए भी ना आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़े, खूब सारा खेलना पड़े। यही same scene हुआ Skull and Bones के साथ। अगर Ubisoft उसे एक single player story game बना देता, जिसमें हम pirates बनके खेलते, sea पे राज करते, land पे मजे करते एंड एक बढ़िया emotional storyline होती, वो लोगों को genuinely पसंद आता। बट उसे हमेशा के लिए चलाए रखने के लिए बना दिया एक लाइव सर्विस गेम, जहां आप सेम मिशन को बार बार करते रहोगे ग्राइंड करने के लिए एंड फॉरएवर उसमें एंगेज्ड ही रहोगे। देन सिंगल प्लेयर गेम्स में एक प्रॉब्लम होती है कि यार कंपनीज ना बस एक बार ही आपसे पैसे ले सकती हैं, मतलब एक बार ही तो खरीदोगे ना आप गेम, जिसके बाद आप उसे एंड कर दोगे। हाँ, अगर कोई पेड डीएलसी आती है या फिर एक्सपेंशन आती है तो उससे पैसे ले लेंगे, बट वो भी तो एक बार ही होती है यार, एक ही बार तो खरीदोगे। एंड ये कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है, वो चाहते हैं कि वो आपसे रेगुलर बेसिस पे पैसे निकलवाती रहे। इसी वजह से गेम्स में इतना ज्यादा ग्राइंड डाला जाता है, ताकि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना वो जाकर इन गेम करेंसी खरीद लेंगे। एक बार उन्हें आदत लग गई ना कम मेहनत में पैसे खर्च करके पाने की और अपने दोस्तों से हवाई लेने की, तो समझ लो कि भाई शेर के मुंह में खून लग चुका है एंड अब वो नहीं रुकेगा। और ये बात कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, जिस वजह से वो लाइव सर्विस गेम ज्यादा बनाना चाह रही हैं, क्योंकि वो लाइव सर्विस एंड फॉरएवर गेम्स है ना हर महीने पैसे कमा सकते हैं, फिर चाहे वो स्किन्स बेच के हो गया या फिर बैटल पास बेच के हो गया, क्योंकि सिंगल प्लेयर गेम्स में वो एक भारी पैसा कमा पाती। बट हाँ, अगर कंपनी यूबीसॉफ्ट जैसी हो तो सिंगल प्लेयर गेम्स में भी पेड स्किन्स डाल देगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एंड इवन अब तो कैपकॉम के गेम ड्रैगन डॉगमा 2 में भी ऐसा हुआ है। जब ये इनिशियली आया था तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, बट फिर पता चला कि इस सिंगल प्लेयर गेम में भी माइक्रो ट्रांजैक्शंस भरे पड़े हैं। एंड इवन ऐसा बना दिया गया कि आप बिना पैसे दिए बहुत से फीचर्स को एंड लेवल्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से इसको बहुत बैकलैश मिल रहा है। फिर आपने SBI का नाम सुना है? नहीं, मैं वो लंच ब्रेक वाले बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं स्वीट बेबी इंक की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इसका नाम आपने नहीं सुना तो याद कर लो, क्योंकि ये बहुत सारे सिंगल प्लेयर गेम्स को बर्बाद करने वाली है, कर भी चुकी है। सो ये एक ऐसी कंपनी है जो दूसरे गेम स्टूडियोज के लिए काम करती है एंड इनका एक ही मोटिव है, गेम्स के अंदर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी लाना। मतलब अगर कोई गेम बन रहा है तो उसमें मेल्स एंड फीमेल करेक्टर्स बराबर दिखें, हो सकता है फीमेल करेक्टर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखें, फिर LGBTQ+ के बहुत सारे करेक्टर्स हों, उनकी रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया जाए, हर रीजन से करेक्टर्स दिए जाए। अब देखा जाए तो सुनने में ये चीजें इतनी ज्यादा गलत नहीं लग रही, बट प्रॉब्लम इसकी ये सब ना फोर्सफुली डाला जाता है। जैसे स्पाइडरमैन का गेम ले लो, हम उसमें क्या एक्सपेक्ट करने जाते हैं कि हमें वेब स्विंगिंग मिलेगी, सुपर विलन से फाइट करेंगे, बट एक सुपर हीरो के गेम में भी जबरदस्ती ऐसा मिशन डाला गया जहां माइल्स की डेफ गर्लफ्रेंड बनके खेलते हैं। मजे की बात यह है कि कॉमिक बुक्स में ऐसे कोई करेक्टर भी नहीं था, बल्कि इसे SBI की टीम ने जबरदस्ती डाला था। इवन आप ये देख लो कि MJ बस अपनी एक गन से बड़े एनिमी को एक बार में मार देती है, बट माइल्स एंड पीटर बनके उनको मारने में अरसा लग जाता है। एंड ऐसा सिर्फ स्पाइडरमैन में ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे पॉपुलर गेमिंग स्टूडियोज SBI के क्लाइंट्स हैं। आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में सभी को खुश रखने के लिए वो गेम्स को वोक बना रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल सुसाइड स्क्वाड, जहां बैटमैन एंड ना जाने कितने पावरफुल हीरोज को डिसरेस्पेक्टफुली मारा गया एंड सिर्फ वंडर वुमन को ही रिस्पेक्ट मिली एंडिंग में। एलन वेक 2 में जानबूझकर एक ब्लैक फीमेल करेक्टर को ऐड किया गया जस्ट टू मेक द गेम मोर इंक्लूसिव, एंड जो ओरिजिनल एलन वेक है उसे बहुत ही कम दिखाया गया। क्या यही है इक्वालिटी? अब देखो, ये सब टॉपिक्स को लेकर ना हर कोई सपोर्ट करता है, सभी चाहते हैं कि समाज में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, बट गुस्सा तब आता है जब SBI सभी गेम्स में जबरदस्ती इन चीजों को फिट करे, भले वो फिट ना भी होती हो। इलॉन मस्क ने भी कहा कि लोग गेम्स को फन के लिए खेलते हैं, ना कि वोकनेस पे लेक्चर सुनने के लिए। जैसे अगर मैं वर्ल्ड वॉर 2 पे गेम बनाऊंगा तो भाई उसमें फीमेल को सोल्जर्स नहीं बना सकता, बिकॉज हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो गलत होगा। जबरदस्ती इंक्लूसिविटी के चक्कर में मैं हिस्ट्री थोड़ी बदल दूंगा, भले हिस्ट्री में बहुत कुछ गलत हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसे बदलने की कोशिश करी जाए। बदलना प्रेजेंट और फ्यूचर को है, हिस्ट्री को नहीं है। बट SBI को अगर
स्टोरी लिखने को दे दी गई ना, तो वुमेन सोल्जर्स भी ऐड कर देंगे, साथ ही हर जेंडर का सोल्जर भी होगा। मानो हमारा फोकस वर्ल्ड वॉर 2 से हटकर वोकनेस पे चला गया है। सो इसलिए गेमर्स बहुत क्रिटिसाइज करते हैं SBI को, बिकॉज ये लोग जबरदस्ती ऐसे एलिमेंट्स डालते हैं, एंड इनकी CEO ने बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बातें भी कह रखी है पास्ट में, बट हम कुछ कर ही नहीं सकते यार, क्योंकि बहुत से गेमिंग स्टूडियोज एंड जर्नलिस्ट इनको सपोर्ट करते हैं। तब देख ही सकते हो कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, एंड इनके आने वाले गेम्स की स्टोरी में भी SBI बैठकर चेंजेस कर ही रहा होगा। देन नेक्स्ट फैक्टर जिस वजह से सिंगल प्लेयर गेम्स का मजा खराब हो रहा है, वो है ऑलवेज ऑनलाइन रहने की कंडीशन। कभी ऐसा हुआ कि आपका GTA 5 या फिर RDR 2 खेलने का मन हुआ, बट रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें लिखा रहा है कि नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। चलो ये गेम्स तो फिर भी ऑफलाइन मोड में चल जाते हैं, बट अब आप नोटिस करो ना तो बहुत सारे गेम्स में जबरदस्ती ऑनलाइन कनेक्शन ऑन रखना पड़ता है, इवन इफ वो गेम एक सिंगल प्लेयर गेम हो। कंपनीज ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि पायरेसी को रोका जा सके, बिकॉज अगर गेम बिना इंटरनेट के चलेगा ही नहीं तो पायरेटेड गेम्स काम ही नहीं करेंगे, एंड जैसे इंटरनेट चालू किया तो पता लग कि भाई गेम पायरेटेड है। तो इसलिए कंपनीज ना अपना 69 IQ लगा के गेम्स को ऑलवेज ऑनलाइन बना रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वो लोड को सह सके। जैसे 2013 में जब सिम सिटी आया था तो उसके फ्लॉप होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि वो ऑलवेज ऑनलाइन कनेक्शन मांगता था, एंड EA के सर्वर्स गेम का लोड संभाल ही नहीं पाए पहले दिन। इस वजह से इतने लंबे टाइम से चलती आई सीरीज भी बंद हो गई थी, लेकिन उनके फेलियर से भी कंपनी सीखी नहीं है। जैसे Payday 3 अभी आया था एंड लॉन्च हुआ था, एंड उसमें भी ऑलवेज ऑनलाइन कंडीशन थी, उससे भी बहुत इश्यूज आए जिसकी से उसकी लॉन्च में एक डिजास्टर रही है। आगे भी और गेम्स ऐसे ऑलवेज ऑनलाइन कनेक्शन मांगेंगे, बट कंपनीज को ना समझना चाहिए भाई कि हम 2050 में नहीं जी रहे हैं जहां दुनिया के हर कोने में 50 GBPS की स्पीड से डेटा आ रहा हो, एंड हमारे पे भी 50 TB का मंथली प्लान हो। 2024 है, अच्छे से अच्छे डेवलप्ड कंट्री में भी इंटरनेट इश्यूज आते हैं, तो एटलीस्ट सिंगल प्लेयर गेम्स जिन्हें खेलने के लिए किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए तो ऑलवेज ऑनलाइन कनेक्शन मत मांगो यार। देन ये सिंगल प्लेयर गेम्स के डेड होने का आर्ग्यूमेंट ना इसलिए भी आ रहा है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में ना अगर आप देखो तो दो सबसे बड़े कंसोल मेकर्स ने कोई खास गेम्स रिलीज करे नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं PlayStation एंड Xbox की बात कर रहा हूँ। 2023 में PS ने सिर्फ एक बड़ा एक्सक्लूसिव गेम लॉन्च किया था जो कि Spider-Man 2 था। वो एक बड़ा सक्सेस रहा, बट कम्युनिटी सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि कोई और फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव गेम आया ही नहीं, और ना ही इस साल यानी कि 2024 में आएगा। राइज ऑफ द रॉनिन, स्टेलर ब्लेड, फाइनल फैंटेसी, ये सब फर्स्ट पार्टी गेम्स नहीं है, थर्ड पार्टी गेम्स है। इसलिए लोग मिस कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव्स को जिनके लिए प्लेस्टेशन जाना जाता था। इसी तरह एक्सबॉक्स की साइड पे देखे तो जिस गेम को गेम ऑफ द जनरेशन कह रहे थे, जिस गेम की उन्होंने इतनी मार्केटिंग करी थी, इतनी हाई बिल्ड करी थी, कह रहे थे डेकेड इन द मेकिंग, 25 साल से बना रहे, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी भाई, वो बहुत ही बोरिंग गेम निकला है, बहुत ही फीका है, उसका गेम डिजाइन ना 10 साल पुराना लगता है। करेक्टर से बात करने में मानो ऐसा लगता है मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ क्योंकि इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं कि भाई मैं कंफ्यूज ही हो जाता हूँ। जिस टाइम नो मैन्स स्काई सीमलेस टेक ऑफ एंड लैंडिंग एक्सपीरियंस देता है, उधर स्टारफील्ड में हर 2 मिनट में तो लोडिंग स्क्रीन आ जाती है। इसलिए वो एक बहुत बड़ा लेट डाउन था, एंड प्लेयर्स को विद टाइम समझ में आने लगा यार गेम की सिर्फ हाइप थी, कुछ खास सब्सटेंस नहीं था। सो जब दो बड़े कंसोल मेकर्स बड़ी एक्सक्लूसिव लॉन्च नहीं कर रहे हैं ना, तो ऑडियंस के मन में सवाल आ जाता है कि क्या हो गया हमारे सिंगल प्लेयर गेम्स को। फिर एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि अब ना बड़ी कंपनीज के लिए गेम्स बनाना एक्सपेंसिव होता जा रहा है। सबने सोचा था कि जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वैसे गेम्स कम पैसे में बनने लगेंगी, पर AAA के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना तो इसका मतलब ये है कि कोई भी गेम्स बना सकता है। जिस बंदे पे एक डिसेंट सा PC हो, उसे एंड्रॉइड इंजन आता हो, तो वो काफी अच्छा गेम बना सकता है। सो इससे लोगों की ना AAA कंपनीज के साथ एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। अगर एक सोलो डेवलपर ही ब्राइट मेमोरी इन्फिनाइट जैसा AAA क्वालिटी का गेम बना देगा तो गेमर्स AAA कंपनी से कहेंगे ना कि भाई इसने अकेले ने ऐसा गेम बना दिया, अरे तुम इतनी बड़ी टीम एंड बजट के साथ अच्छा गेम नहीं बना पा रहे। इसकी वजह से AAA गेम्स बनाने का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। पैसे तो कंपनीज में लिमिटेड ही है ना, इसलिए अब कंपनीज कम सिंगल प्लेयर गेम्स बना रही हैं, क्योंकि यार हम सब जानते हैं कि अगर आज का स्टोरी गेम्स में नियर रियलिस्टिक ग्राफिक्स ना हो, सिनेमैटिक कटसीन्स ना हो, यूनिक मैकेनिक्स ना हो, पॉलिश गेम प्ले नहीं हो, तो हम नहीं खेलने वाले। और इवन सिर्फ खर्चा ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इन गेम्स को बनाने में टाइम भी ज्यादा लगने लगा है। पहले सभी बड़ी कंपनीज हर साल एक जबरदस्त स्टोरी गेम रिलीज कर देती थी। प्रिंस ऑफ पर्शिया ट्रायलॉजी को देख लो, Assassin's Creed सीरीज को देख लो, GTA सीरीज को देख लो, हर साल बढ़िया गेम्स आते थे। बट अब सिंगल प्लेयर गेम्स बनाने में टाइम एंड पैसा इतना ज्यादा लग रहा है, उसकी वजह से गेम्स ना बहुत ज्यादा टाइम लेने लग गए हैं, कोई 2 साल तो कोई 5-10 साल भी ले रहा है। हाँ, COD है जो हर साल भी अभी गेम रिलीज कर देता है, बट फिर आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि उसकी कैंपेन की क्वालिटी कितनी बुरी तरह गिरी है। वेल, इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार सिंगल प्लेयर गेम्स आर नॉट डेड, बस एक कोविड के बाद से ना थोड़ा सीन खराब हो गया है, क्योंकि लोग अगर एक दूसरे से बात करते थे तो वो मल्टीप्लेयर गेम्स के थ्रू ही करते थे, एंड कंपनीज का फोकस भी सिंगल प्लेयर से थोड़ा सा कम हो गया था। अब देखना 2025 के बाद से बहुत बड़े गेम्स आने वाले हैं जो कि सिंगल प्लेयर गेमर्स का इंटरेस्ट वापस जगा देंगे। जैसे सोनी 2025 में फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव लॉन्च कर सकता है, मे बी गोस्ट ऑफ सुशीमा 2 या मार्वल्स वेनम। देन बहुत सारे स्टूडियोज हैं वो 2025 के लिए सिंगल प्लेयर गेम्स प्लान कर रहे हैं, एंड इवन सबका बाप GTA 6 भी तो तभी आ रहा है, एंड ये भी नहीं तो यार इंडी
गेम्स हमेशा सिंगल प्लेयर जॉनर को अलाइव रखेंगे। सम ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एंड गेम प्ले एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो आजकल ट्रिपल ए की जगह इंडी गेम से मिल रहे हैं, फिर चाहे वो हेडीज हो गया या फिर कोई और। सो ट्रिपल ए का कुछ भी हो भाई, दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो कि सिंगल प्लेयर को खत्म नहीं होने देंगे। मेरे को आप यार अपना ओपिनियन बताओ कि आज के सिंगल प्लेयर गेम्स के बारे में आप क्या सोचते हो। एंड जो लोग ये कहते हैं कि मोबाइल पे अच्छे सिंगल प्लेयर गेम्स नहीं मिलते, तो उनके लिए भाई ये वीडियो है जहां मैंने 10 बेस्ट स्टोरी गेम्स फॉर मोबाइल बताए हैं, लेफ्ट में आपको मिल जाएगी। बाकी पैलवर्ल्ड गेम इतना सक्सेसफुल कैसे रहा वो जानने के लिए आप राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।